अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिम्स अस्पताल के तर्जुमान ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का दिमाग सुकड़कर छोटा हो गया है, जिसका MRI से पता चला। दूसरी जानिब साबिक सदर के मेडिकल बोर्ड में मजीद डॉक्टर्स का भी इजाफा कर दिया गया। बोर्ड में कार्डिक और न्यूरो सर्जन डॉक्टर्स भी शामिल किए गए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी के जाती मुआलिज के लिए डॉक्टर नदीम कमर का नाम सामने आया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड को डॉक्टर नदीम कमर के साथ साबिक सदर के इलाज में मुशावरत के लिए मरासला मौसूल हो चुका। लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ के घर पर हमले के बाद नून लीग ने शदीद रद्द अमल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अहम मामलात पर कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफीन को वार्निंग देते हुए कहा कि सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें, ये सिलसिला शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा। हमारे कायद के घर पर हमला हो सकता है तो सबके घरों का पता मालूम है। हम ऐसे रवैये वाले चेहरे भूलेंगे नहीं, दुश्मनियाँ निभाना खूब जानते हैं। हुक्मरान गूंगे बहरे हैं, ऐसे रवैयों से तशद्दुद की लहर शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि मुसलमानों को याद रखना चाहिए, मसावात और इंसाफ सबके लिए इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ का पैगाम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया है कि कश्मीरी मर्दों, खवातीन और बच्चों पर भारतीय फोर्सेज की ज्यादतियाँ और मुजालिम का खात्मा किया जाए, जो इंसानी हकूक के तमाम कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हम बहादुर कश्मीर के हक खुदरादियत की जदोजहद में डट कर इनके साथ खड़े हैं। बेरा DPO सरगोधा अमारा अतर का कल 11 दिसंबर बरोज बुध दोपहर 1 बजे थाना भेरा में खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुनने का ऐलान। मुरीद के 3 नामालूम मुसल्ला डाकू दुकानदार से हजारों रुपए नकदी लूटकर फरार। मुजम्मत करने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, दुकानदार मौजाना तौर पर महफूज रहा। दुकानदार ने डाकुओं से पिस्टल छीन लिया। पुलिस ने पिस्टल को अपने कब्जे में लेकर मुद्दई की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मोदी हुकूमत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की एहतजाजी रैली और मुजाहरा। कश्मीरी मजलूम अवाम पर काबिज मोदी सरकार के जुल्म और जबर, मुसलसल कर्फ्यू और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बदीन शहर में सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गयी। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे भी किए गए। मुजाहरीन ने दुनिया भर के हुक्मरानों और आलमी अदारों से मुतालबा किया है कि वो भारत के जेरे काबिज कश्मीरियों पर जुल्म जबर और कत्ले आम की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नोटिस लें, नाजायज कब्जा खत्म कराने के अमली इकदामात किए जाएं। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।